कार्रवाई है, क्या पूरा मामला? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी निर्देशित किया गया था कि अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में वरला थाना प्रभारी श्री माधव ठाकुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के माध्यम से कि दो व्यक्ति इनोवा कार के माध्यम से अवैध हथियार ले जा रहे हैं। उपरोक्त सूचना को तस्दीक करने के पश्चात थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित की गई और जब टीम द्वारा उनको घेराबंदी कर पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश बताया, एक व्यक्ति रमीज है। जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो कार में 5 पिस्टल, 7 देसी पिस्टल जब्त किए गए और साथ में 2 मोबाइल जब्त किए गए। उपरोक्त आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, कहाँ के आरोपी और कहाँ ले जा रहे थे हथियार? ये आरोपी मूलतः पुणे के रहने वाले हैं और ये पुणे ले जा रहे थे इनोवा कार के माध्यम से, और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया था कि हम लोग इसको पुणे जाकर इसको अवैध रूप से बेचने वाले थे। पहले भी क्या ये लोग कर चुके हैं? इससे पूर्व फिलहाल तो ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि इससे पूर्व ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन इनके खिलाफ पूर्व में अपराध पंजीबद्ध है महाराष्ट्र में। सर, ये हथियार किससे खरीदे गए थे, कितनी राशि में खरीदे गए थे? फिलहाल ये किससे खरीदे ये मालूम नहीं पड़ा, लेकिन प्रथम दृष्टया उमरठी गांव से खरीदना बताया गया है, लेकिन अभी व्यक्ति भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अभी तस्दीक की जा रही है। कितने आरोपी? इसमें 2 आरोपी हैं, एक रमीज है एक लुकेश है, दोनों पुणे के रहने वाले हैं और इनसे एक इनोवा कार भी जब्त की गई है।